हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल ओमनी हैशटैग पॉजिटिविटी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है थैंक गॉड। राम नरेश अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने एक घोड़ा खरीदा और उसका नाम गॉड रख दिया। गॉड एक मजबूत तथा ताकतवर घोड़ा था। जब वह सरपट दौड़ना शुरू कर देता था तो वह तभी रुकता था जब उसकी इच्छा होती थी। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम नरेश गॉड को वहाँ ले जाना चाहता था जहाँ उसका मन करे, पर जिद्दी घोड़ा गॉड राम नरेश को वहाँ ले जाता था जहाँ उसका मन करता था। राम नरेश ने फिर घोड़े को प्रशिक्षण देने का सोचा और कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने जिद्दी घोड़े को प्रशिक्षित कर दो आदेश मानना सिखाया, थैंक गॉड और आमीन। जब भी राम नरेश थैंक गॉड कहता तो वह घोड़ा सरपट दौड़ना शुरू कर देता और जब आमीन कहता तो वह घोड़ा रुक जाता। राम नरेश खुश था कि वह अब कम से कम घोड़े को दौड़ा सकता है और अपनी मर्जी से रोक सकता है। एक दिन राम नरेश गॉड को पहाड़ी पर दौड़ा रहा था। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। राम नरेश रास्ते से अवगत नहीं था और वह घोड़े को धीरे दौड़ाना चाह रहा था। उसने घोड़े से कहा, धीरे चलो, परंतु ऐसा कोई प्रशिक्षण घोड़े को नहीं मिला था, इसलिए घोड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। अब अंधेरा होने लगा था, घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। राम नरेश डर के मारे रुकने के लिए क्या बोलना था भूल गया। डरवश उसने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, हे भगवान घोड़े को रोक दो, पर इन सब से कुछ नहीं हुआ। वह जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना के अंत में उसने बोला आमीन और घोड़ा पहाड़ी से नीचे गिरने से कुछ सेकंड पहले रुक गया। राम नरेश ने राहत की सांस ली और नरम स्वर में कहा, थैंक गॉड। यह सुनते ही घोड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ सरपट दौड़ा और इससे पहले राम नरेश को समझ पाता कि क्या हुआ, दोनों घोड़ा और वह तेजी से खाई से नीचे गिर गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर लेट टू मच प्रेशर बिल्ट ऑन अस। अ गुड लाफ इज गुड फॉर हेल्थ। इट रिलीव्स अस फ्रॉम टेंशन एंड स्ट्रेस। हमें कभी भी अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं बनने देना चाहिए। एक अच्छी हंसी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। यह हमें तनाव से मुक्त रखती है। अंत में मैं फिर कहना चाहूँगी, अपने आप पर यकीन रखो। ज़माना भी सिर्फ उसे याद रखता है जो कामयाबी की बुनियाद रखता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।